रादे रादे। भक्तों ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पुलिस विभाग वाला कर्मचारी या अधिकारी जल्दी भक्त तो नहीं हो सकता है उसका काम कुछ ऐसा है वातावरण ऐसा है कि वो भक्ति रस में नहीं डूब सकता है ऐसी एक धारणा लोगों की है किंतु आप जो श्रवण कर रहे हैं इस समय सरस माधुरी शरण जी की चरितावली उन्होंने इस भ्रम को खत्म कर दिया क्योंकि वो एक पुलिस विभाग के ही व्यक्ति थे और पुलिस विभाग के अधिकारी थे थानेदार थे थानेदार एक किस प्रकार से महान भक्त संत तो हो गया और किस तरह से भगवान की भक्ति का आचार्य जैसा स्थान प्राप्त किया वो आप देखिए कैसे लीला ठाकुर जी की होती है रूपांतरण किस प्रकार का होता है मैंने कल आपको बताया था कि ये एक थानेदार थे और इनका जयपुर ट्रांसफर हो गया था अब तो ट्रांसफर होने पर जयपुर जाना ही था अब जयपुर जाने में कोई विशेष बाधा भी तो नहीं थी क्योंकि उनकी पत्नी भी तो अब नहीं थी उसका देहांत हो चुका था मां भी इस बीच पर लोक वासनी हो चुकी थी तो अपनी बहन और पुत्री का उन्होंने विवाह कर दिया और जयपुर पहुंचने पर महाराज थोड़े दिन के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिर पिताजी को साथ रख करके अब जयपुर में वो रहने लगे और भक्तों अपने गुरु भाई क्योंकि दीक्षा तो उन्होंने ले ही लिया था सुख संप्रदाय में तो अपने गुरु भाई उमराव जी भार्गव के घर रहने लगे थोड़ा दिन और पुलिस विभाग में नौकरी की जयपुर पहुंचने पर भी तुरंत तुरंत इस्तीफा नहीं दिया जब नौकरी, छोड़ा पुलिस की, तो नौकरी छोड़ने के बाद वो वकालत करने लगे थे जयपुर में और जयपुर का वातावरण भक्ति के लिए विशेष रूप से उनके अनुकूल था वहां अनेक प्राचीन देवालय थे आज भी हैं। और वहाँ के राजा प्रजा भक्ति परायण होते आए उस समय जब थानेदार थे वहां। तब भी राजाओं का ही राज्य था ये आज वाला टाइम नहीं था राजाओं का ही शासन था और सब राजा लोग प्राचीन काल से वहाँ भक्त भक्त होते आए तो इस अनुकूल वातावरण में उनको हृदय में उगी लता जो पहले से ही उग चुकी थी वो अधिकाधिक बढ़ने लगी और उनकी भक्ति लता के पुष्प के सौरभ से जयपुर का आकाश सुर हो गया और जब कोई पुष्प बहुत अच्छी सुगंध का हो तो भ्रमर का खींचना तो नेचुरल होता है तो फिर भावरे जो थे वो भाव भावरे कौन थे भक्त भ्रमर उनकी भक्ति का जो भक्ति की जो लता थी उसमें पुष्प जो प्रकट हुए प्रेम के उसके सौरभ से जयपुर में भक्त भ्रमर उन आकृष्ट हो गए और उनके चारों तरफ मंडराने लगे लीला तो भैया का की ही थी नहीं तो मनुष्य के बस का थोड़े कुछ होता है सरस माधुरी जी के स्थान पर भजन कीर्तन इष्ट गोष्ठी आदि का समाज जोड़ने लगा और एकादशी के दिन जो कार्यक्रम होता था वो भक्तों के लिए विशेष आकर्षक होता था उस दिन सरस माधुरी जी का सारा दिन हरी चर्चा में व्यतीत होता रात्रि आठ बजे से प्रातः आठ बजे तक सब लोग जागरण करते थे ऐसा नहीं कि रात में दो घंटे जग गए या बारह बजे रात तक जग गए वो जागरण नहीं रात आठ बजे से प्रातः आठ बजे तक जागरण होता था एकादशी की रात वो जागरण आप मत समझ लेना कि नशा करके झूम रहे थे नशा कर करके वो खूब धोलक पीते नाचे वो जागरण नहीं पूरा सात्विक वातावरण और पूरा भक्तिमय वातावरण महाराज जागरण में प्राचीन संतों की वाणियों और सरस माधुरी जी की स्वरचित पदों राग रागनियों के साथ गायन होता और गाते गाते सरस माधुरी जी विरह भाव में डूब करके रोने लग जाते थे करुण क्रंदन करने लग जाते थे और क्रंदन करते करते उनकी जाती थी बच्चों की तरह रोने लग जाते थे उनका भाव अन्य लोगों में भी संक्रमित होता था उनको रोते देख कर कि कितने लोग रोने लग जाते थे और वे भी क्रंदन करने लगते रोने लग जाते देखने वाले भी तो उस क्रंदन में उन्हें जो सुख मिलता उसमें भी संसार को भूल जाते आज भी आप लोग भक्त लोग जानते हैं कि हम महान भक्तों का चरित्र जब सुनते हैं और हमारी आंखों से आंसू जब गिरने लग जाता है तो वो रुदन इतना सुखदायी होता है भक्तों कि हम संसार के सब कुछ भूल जाते हैं और यही लगता है कि आज का दिन हमारा बहुत सार्थक गया जो इन महान भक्त का चरित्र हमने सुना। यही स्थिति हो गई थी भक्तों जयपुर में सरस माधुरी जी के साथ गाते गाते कभी सरस माधुरी जी आनंद से नृत्य करने लग जाते और तब आनंद की एक और लहर समाज को प्रावित कर देती थी रोने गाने और नाचने कूदने में रात किधर किस तरफ से निकल जाती पूरी कब बीत गई रात किसी को पता नहीं चलता था आप मत कि शाम को आठ बजे से सुबह आठ बजे तक लोग झपकियां लेते होंगे कोई सो जाते होंगे ऐसी ऐसा जागरण नहीं था कि कोई सो जाते कोई झपकियां लेते किसी को जगाना पड़ता वो बात नहीं थी रोते और गाते और नाचते लोग और इतने भाव विभोर रहते कि रात बीत गई मालूम ही नहीं होता था श्री प्रेम स्वरूप जी ने अपने ग्रंथ आदर्श संत में एकादशी की रात्रि के शरत माधुरी जी के नृत्य कीर्तन के संबंध में लिखा है वो कहते हैं कि जब वे तानपुरा लेकर साजबाज के साथ गायन करते तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते ऐसा लगता जैसे समाज श्री कृष्ण के निकुंज में ही हो रहा हो वो गायन जो होता था समाज का, लगता था कि कन्हैया के निकुंज में वो गायन हो रहा है, जयपुर में नहीं हो रहा वृंदावन के किसी दिव्य कुंज में गायन हो रहा ऐसा प्रतीत होता था और वे रात आठ बजे से प्रातः आठ बजे तक एक स्वर और एक आसन से गायन करते महाराज बारह घंटे कभी कभी प्रेम में मग्न हो करके खड़े होकर नृत्य करने लगते तो घंटों नृत्य करते कई कई घंटे चार चार घंटे पर साजिंदे बदले जाते पर वे जमे रहते महाराज उन्हें आलस्य और निद्रा स्पर्श भी नहीं करता था साज में जाने वाले जो होते थे ना जैसे कानपुरा कानपुरा तो अधिकतर सरस माधुरी जी हाथ में देखते थे लेकिन और तबला वाले पखावज वाले हारमोनियम वाले वीणा वाले इतने अच्छे चुने हुए भक्त संगीतज्ञ थे कि जिनके जीवन में कोई गंदा खान पान नहीं था और जिनके जीवन में भक्ति लबालब भरी हुई थी क्योंकि सरस माधुरी जी जैसे महान भक्त के साथ वाले थे उनको गुरु मानते थे लोग और धीरे धीरे सरस माधुरी जी के जागरण काल के सत्संग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और दूर दूर से वैष्णव मंडलियां आकर के इसमें सम्मिलित होने लगी जयपुर के बहुत से संभ्रांत परिवारों के लोग और राज कर्मचारी भी इसमें आने लगे भक्तों जयपुर नगर में भक्ति भागीरथी जो कुछ दिनों से क्षीण और शिथिल हो गई थी अब फिर से बहने लगी है बहुत सुंदर ढंग से उसे और भी संपुष्ट करने के लिए सरस माधुरी जी ने एक और कार्य किया उन्होंने अपने एक भक्त दीनानाथ जी को प्रेरणा दे करके जयपुर में एक रास मंडली का निर्माण करवाया और रास मंडली द्वारा अभिनत होने के लिए ब्रज लीलाओं और भक्त चरित्रों की रचना की इतना सुंदर भक्त चरित्र का अभिनय होने लगा ब्रज लीलाओं का अभिनय होने लगा लोगों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ लीलाएं होने लगी लीलाएं इतनी सफल हुई कि जयपुर में उनकी धूम मच गई उनकी प्रशंसा सुनकर के जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय जो उस समय थे उनकी भी इच्छा हुई कि उन्हें मंडली देखने को मिले वो लीला की और उन्हें देखने की मंडली को दरबार में आमंत्रित किया गया सुदामा लीला का अभिनय हुआ और माधो सिंह जी पहले से ही भक्ति भाव संपन्न थे और सरस माधुरी जी के संबंध में भी उन्होंने पहले से सुन रखा था पर इस लीला को देख करके उन्हें उनके प्रति विशेष आकर्षण हुआ उन्हें भी एक दिन उन्होंने दरबार में आमंत्रित किया वे उनके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और तब से जब कभी महल में रास का आयोजन होता तो उन्हें अवश्य आमंत्रित किया जाता अक्सर जब सिंह जी वृंदावन जाते मतलब यहाँ वृंदावन आते जब वो तो उन्हें अपने साथ लेकर के आते सरस्वती माधुरी जी को उनके माध्यम से ब्रजवासियों की और, और वहां के ये वृंदावन के देवालयों की बहुत सेवा करते थे वो माधव सिंह जी ने उनकी भी सेवा करने की इच्छा प्रकट की सरस माधुरी जी की पर उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की उन्होंने कहा कि महाराज मुझे भगवान की कीर्तन भजन लीलाई सिंह में बहुत सुख मिल जाता है इसलिए सेवा की आवश्यकता नहीं उनके बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दीनानाथ जी की मंडली के मासिक खर्च के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था कर देने को कहा जो उन्होंने सहर्ष कर दी तुरंत और साथ ही चांदपोल बाजार में स्थित एक विशाल मंदिर भी उन्होंने दीनानाथ जी को दे दिया जयपुर में जो चांदपोल बाजार है वहाँ एक विशाल मंदिर उन्होंने दीनानाथ जी को दे दिया जो आज भी उनके वंशजों के पास है माधव सिंह जी के माध्यम से सरस माधुरी जी का संपर्क कृष्णगढ़ के महाराजा से भी हो गया वे भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखते और प्रतिवर्ष अपने उत्सव में उन्हें बुलाया करते बड़ी अद्भुत भक्ति थी सरस माधुरी जी की महाराज भक्तों प्रारब्ध का खेल भी साथ साथ चलता है एक दिन सरस माधुरी जी के घर में चोरी हो गई और चोर सारा सामान समेत ले गए लेकिन यही भक्त का लक्षण जो हुआ कि सब कुछ धन चोरी चला जाने के बाद भी सरस माधुरी जी उसे तनिक भी विचलित नहीं हुए ोग से उसी समय उनकी बहन के लड़के बिहारी लाल का ब्याह होने को हुआ उन्हें भात लेकर मातोर ग्राम जाना था अब एक विकट समस्या खड़ी हो गई क्योंकि तो अब सब कुछ तो चोर चला गया था वक्तों घर में जो था वो तो चोर ले गए अब भात के लिए सामग्री कहा से ले जाए पर उससे भी सरस माधुरी जी विचलित नहीं हुए अब जे उन्होंने समझा कि भगवान परीक्षा मारे ले तो मैं तो प्रभु के चरणों का सेवक हूँ तो उन्होंने मन ही मन कहा जिसने चोरी करवाई वही भात की व्यवस्था करेगा अब ये भक्त का स्वभाव होता है ना कि हर कार्य भगवान का मानता है वो और नहीं करेगा तो नहीं करेगा उन्होंने कहा मतलब जिसने चोरी करवाई भात की व्यवस्था वही करेगा और भात की व्यवस्था नहीं करेगा तो नहीं करेगा उसकी जैसी इच्छा इसमें मेरा क्या है इच्छा तुम्हारी ठाकुर जी की इच्छा जैसी उनकी इच्छा हो वो ये बढ़िया है आश्चर्य की महाराज भात की सारी व्यवस्था हो गई और न जाने कहां कहां से उनके बिना किसी से कुछ कहे सारी सामग्री एकत्र हो गई और भात की व्यवस्था ऐसे हुई कि गांव वाले देख करके आश्चर्य में पड़ गए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सरस माधुरी जी की पत्नी और माता ये लोग तो नहीं थे लेकिन पिताजी तो थे तो सरस माधुरी जी के पिताजी वो अपने बेटे का भागवत अनुराग और निष्ठा देख देख करके जैसे फूले नहीं समाते थे इतना तो आनंद विभोर रहते थे कि मेरा बेटा कितना महान भक्त है बहुत प्रसन्न वे सांसारिक किसी कार्य से तो संबंध रखते ही नहीं थे दिन रात भजन साधन में लगे रहते थे और सारे माधुरी जी के क्रियाकलाप देख करके पिताजी अपने को धन्य मानते थे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया जो भगवान ने इतना महान पुत्र मुझे दिया और एक दिन अकस्मात उन्हें निकट बुलाकर बोले बेटा मैं तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर अपना जीवन सफल मानता हूं अब मेरा समय हो गया मैं जाऊंगा अब सोचिए जो पहले थानेदार था आज महान भागवत भक्त के रूप में विख्यात राजा महाराजा लोग भी उनका दर्शन करना चाहते थे बुलाते थे बड़े प्रेम से अपने यहां ये सुनकर के सरस माधुरी जी के नेत्रों में आंसू आ गए जब पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर अपना जीवन सफल मानता हूं पर बेटा मेरा समय हो गया मैं जाऊंगा बस ये सुनते ही सरस माधुरी जी के नेत्र में आंसू और रूंधे कंठ से उन्होंने कहा पिताजी क्या सचमुच आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तब उन्होंने सरस माधुरी जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तुम चिंता बिल्कुल न करो बेटा हम फिर मिलेंगे मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस कार्य के लिए आए हो उसे पूरा करके उस नित्य धाम में मुझसे और गुरु वर्ग से आ मिलोगे जहां मैं भगवत धाम जा रहा हूं वहां तुम्हारा मेरा मिलना फिर से होगा तुम्हारी कृपा से मैं प्रभु के धाम जाऊंगा और फिर तुम वहीं आओगे और मुझसे जरूर मिलोगे महाराज जी बोल करके सरस माधुरी जी के पिताश्री का शरीर छूट गया पिता श्री उनके शरीर छोड़ करके प्रस्थान कर गए भगवत धाम चले गए इतना महान पुत्र प्राप्त किया था भगवान के भक्ति में वो तप्रोत जिसका जीवन था और उसके बाद उस जब सरस माधुरी जयपुर में रह रहे थे तो सरस माधुरी जी जिस मकान में रह रहे थे उसके ऊपर की मंजिल में एक बड़ा कमरा था जिस पर छप्पर पड़ा हुआ था उसी में ठाकुर जी की सेवा होती थी और भंडार बनता था एक दिन उसमें आग लग गई महाराज और उस समय सरस माधुरी जी नीचे थे आग की लपट जब ऊंची उठने लगी तब उन्हें पता चला भाग करके ऊपर गए और बिना कुछ सोचे विचारे आग में कूद पड़े और अपने ठाकुर जी को निकाल लाए दहकती हुई भबकती हुई आग के लपटों के बीच में घुस गए ठाकुर जी को निकाल लाए और ठाकुर जी की कृपा से वे न जाने कैसे अग्नि से अछूते निकल आए जबकि भंडार का सारा सामान जल करके खाक हो गया महाराज आप लोगों ने सुंदर कांड में तो पढ़ाई है ताकर दूत अनल सिर जा भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जिन्हें जिन्होंने अनल की सृष्टि की है आग की रचना की है उन्हीं के दूत थे हनुमान जी इसलिए हे गिर वे लंका दहन के आग में जले नहीं इसी तरह से पूरी रूप से लगी हुई आग में ये सरस माधुरी जी घुसकर ठाकुर जी को निकाल लाए और कहीं भी अग्नि उनके शरीर में जैसे छू भी नहीं गई हो ऐसे आ गए जबकि भंडार का सारा सामान जल के राख हो गया और सरस माधुरी जी जब से जयपुर आए तब से अभी तक उनके रहने के मकान की समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी वे कभी किसी मित्र के मकान में रहे कभी किसी किराए के मकान में रहे पर अब उनके पास दूर दूर से अतिथि अभ्यागत और संत आते रहते वृंदावन से सिद्ध संत श्री हंसदास जी और बजराज सखा ग्वरिया बाबा आते ग्वरिया बाबा के चरित्र भक्त मैं आपको सुना चुका हूँ हंसदास का भी सुना चुका हूं और अयोध्या जी से भी कई संत आया करते शरस माधुरी जी के उत्सव में और सुविधाजनक आवास स्थान और सत्संग भवन की बड़ी आवश्यकता थी इसलिए उन्होंने दरीबा पान में श्री सरस कुंज नाम के अपने स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया अब जयपुर वालों को ये बात समझ में आ जाएगी जो सुन रहे होंगे चरितावली वो जाकर दर्शन कर सकते हैं हो सकता है कई लोगों को पहले से पता हो दरीबा पान में सरस कुंज श्री सरस अपने स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया जिसमें सत्संग भवन रास मंडल और ठाकुर मंदिर आदि बनवाए गए और कुंज में आचार्यों के उत्सव लीला अनुकरण भागवत पाठ कीर्तन साधु सेवा आदि की समुचित व्यवस्था की गई भक्तों को आज भी चल रही हो व्यवस्था ये स्थान ही अब जयपुर में श्री सुख संप्रदाय का प्रधान स्थान माना जाने लगा है जो सरस कुंज है और बहुत प्रसिद्ध है भक्तों ऐसे महान रसिक ऐसे महान भागवत भक्त जो वृंदावन और जयपुर के और अयोध्या जी के सब संतों भक्तों को एकत्र करके भक्ति रस की मंदाकिनी बहाते थे प्रेम के उस रस में सभी लोग छके रहते थे इनका चरित्र आगे में फिर आपको सुनाऊंगा अभी मैं उनको यही प्रणाम कर रहा हूँ शीरा धीरा धीरे जय श्री राधे